मॉर्निंग, आई एम तप्रेज अख्तर, दिस इज़ योर साइंस क्लास। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर नंबर 4, मटेरियल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। यू आर फैमिलियर विद अ नंबर ऑफ मटेरियल्स लाइक आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर। सम मटेरियल्स हैव बीन गिवन इन टेबल 4.1। हम पहले से ही बहुत सारे मटेरियल्स के बारे में जानते हैं, जैसे कि आयरन हो गया और एल्यूमिनियम हो गया, कॉपर हो गया, कुछ यहाँ पे दिए हुए हैं। ठीक है, कैन यू नेम द मटेरियल्स विच आर मेटल्स? द रेस्ट ऑफ मटेरियल्स इन 4.1 आर नॉन मेटल्स। मेटल्स कैन बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम नॉन मेटल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। तो क्या आप मेटल और नॉन मेटल को पहचान सकते हैं? क्या आपने इससे पहले मेटल और नॉन मेटल के बारे में पढ़ा है, उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा है? अगर किया है तो ये आप पहचान के बताइए। ठीक है, इस टेबल में फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। अब हम देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और आपको मेटल की और नॉन मेटल की। ठीक है, क्या आपने कभी ब्लैक स्मिथ को देखा होगा, जो लोहे को पीटता है? ठीक है, एंड मेड अप ऑफ आयरन लाइक स्पेड, शॉवल एंड एक्स, और उससे वो ये सारी चीज़ें बनाता है। डू यू फाइंड द चेंज इन द शेप ऑफ दीज आर्टिकल्स ऑन बीटिंग? तो क्या आपको लगता है कि आयरन जो है वो उसको पीटने से उसका आकार चेंज हो जाता है? चलिए, वुड यू सिमिलर चेंज इफ़ द ट्राई बीट टू पीस ऑफ कोल? तो क्या अगर आप ऐसे ही कोयले को अगर पीटेंगे तो क्या कोयले का शेप चेंज हो जाएगा? नहीं। ठीक है, तो मेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल, यानी अगर किसी चीज़ को पीट के उसका शेप चेंज किया जाता है तो हम उसको मेलेबिलिटी कहते हैं। ठीक है, और ये चीज़ मेटल में पाया जाता है। यू सॉ दैट द शेप ऑफ आयरन नेल एंड एल्यूमिनियम वायर चेंज ऑन बीटिंग। जैसे हम कील होती है जिसको हम आयरन नेल कहते हैं, उसको भी अगर कील को हम दीवार में ठोकते हैं तो कभी कभी क्या होती है, मुड़ जाती है, या मुड़ते मुड़ते अगर बहुत ज़्यादा मार दोगे तो पूरी तरीके से मुड़ जाती है। इफ़ दे वर बीटन हार्डर दिस कुड बी चेंज इन टू शीट। और अगर इनको खूब ज़्यादा पीटा जाए तो ये एक शीट की तरह बन जाएंगी, यानी बिल्कुल चपट जाएंगी। यू माइट बी फैमिलियर विद सिल्वर फॉइल एंड डेकोरेटिंग स्वीट्स। यू मस्ट ऑल्सो बी फैमिलियर विद एल्यूमिनियम फॉइल। तो आपने एल्यूमिनियम फॉइल वगैरह भी देखी होगी, आखिर वो शीट के फॉर्म में ही होती है। वो एल्यूमिनियम होता है जिसे शीट के फॉर्म में बना दिया जाता है। द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स बाय विच दे कैन बीटन इन टू थिन शीट्स। तो किसी मेटल की प्रॉपर्टी जो जिसे हम उसको बीट यानी मार मार के शीट के फॉर्म में बना दें, तो उस प्रॉपर्टी को कहते हैं मेलिएबिलिटी। ठीक है, दिस इज़ अ करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। कोल मटेरियल्स लाइक कोल, पेंसिल, लेड डू नॉट शो दिस प्रॉपर्टी। कैन वी कॉल दीज मेटल्स? लेकिन मेटल के बारे में तो देख लिया, मेलेबिलिटी यानी पीट पीट के उसको एक शीट के फॉर्म में चेंज किया जा सकता है। लेकिन कोल की बात करूँ, जैसे कि जिसको कोयला कहते हैं, या पेंसिल की लीड जो होती है उसकी बात करूँ, अगर उसको हम पीटते हैं, मारते हैं, तो वो टूट जाता है, जबकि वो शीट में चेंज नहीं होता, तो क्या वो मेटल कहलाता है या कुछ और कहलाता है? कैन यू होल्ड अ हॉट मेटेलिक पैन विद इज़ विदाउट अ प्लास्टिक और अ वुडन हैंडल एंड नॉट गेट हर्ट? परहैप्स नॉट। वाई? ट्राई टू लिस्ट सम अदर एक्सपीरियंस इन विच अ वुडन और प्लास्टिक हैंडल प्रोटेक्ट यू फ्रॉम बींग हर्ट। ऑन द बेसिस ऑफ दिस एक्सपीरियंस वॉट यू कैन से अबाउट द कंडक्शन ऑफ हीट बाय वुड एंड प्लास्टिक। यू मस्ट हैव सीन एन इलेक्ट्रिक यूजिंग स्क्रू ड्राइवर, वॉट काइंड ऑफ हैंडल डज इट हैव? वाई? इसके बाद हमें यहाँ पे ये देखने को मिलता है कि कभी कभी जब हम यूटेंसिल गरम करते हैं, कोई चीज़ बनाते हैं किचन में, तो हम जब उसको पकड़ते हैं गरम यूटेंसिल को, तो हम
अब उसके हैंडल से पकड़ते हैं और उसका हैंडल प्लास्टिक या वुडन का होता है, तो क्या हमारा हाथ जल जाता है या हमें कोई हर्ट होता है? नहीं होता है हर्ट, ठीक है। और ये आखिर क्या चीज़ होती है, इस बेसिस पे आप क्या कह सकते हो कंडक्शन के बारे में, कंडक्शन ऑफ हीट के बारे में क्या कह सकते हो? वुड और प्लास्टिक में कंडक्शन ऑफ हीट किस टाइप की होती है, क्या ये आप बता सकते हो? ठीक है, तो यहाँ पे कुछ यही चीज़ बोली गई है, यू मस्ट हैव सीन एन, और इसी तरीके से आपने स्क्रू ड्राइवर वगैरह देखा होगा जिससे इलेक्ट्रिसिटी का काम किया जाता है, और उसमें भी प्लास्टिक का कुछ हैंडल लगा होता है। तो आप अब इसके बारे में क्या कह सकते हो, ये क्या आपको करंट लगता है या नहीं लगता है, ये चीज़ भी आपको बताना है। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात करें तो सबसे पहले हीट कंडक्टिविटी की बात करें तो हम जैसे ही यहाँ पे वुड और प्लास्टिक की बात की गई, तो वुड और प्लास्टिक जो है वो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं। पुअर कंडक्टर ऑफ हीट का मतलब ये है कि इनसे हीट पास नहीं हो पाती, इसीलिए आपके जो बर्तन होते हैं किचन के, उसमें प्लास्टिक या लकड़ी के हैंडल होते हैं, ताकि आपके हाथों में वो जब हीट जो हीट से गर्म हो जाता है तो आपके हाथ ना जल जाएं, ठीक है। तो इसीलिए ये चीज़ लगाई जाती है। अब उसकी बात करें इलेक्ट्रिसिटी की, तो इलेक्ट्रिसिटी के लिए भी प्लास्टिक और लकड़ी जो होती है वो बैड कंडक्टर होती है, यानी पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है, इसीलिए उससे इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो पाती और आपके हाथों को हर्ट नहीं होता या आपको करंट नहीं लगता, ठीक है। तो इस टाइप से एक और एक्टिविटी दी हुई है जिसमें बीच में क्या है, एक आयरन नेल रखी हुई है और बल्ब जल रहा है, तो क्या इससे कह सकते हैं कि मेटल जो हैं तो वो इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर होते हैं और नॉन मेटल इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर नहीं होते हैं? क्या ये कहा जा सकता है? अगर ऐसा है तो आप यहाँ पे इसको गुड कंडक्टर कौन सा होता है और पुअर कंडक्टर कौन सा, आप ये बताइए, ठीक है। यू ऑब्जर्व दैट आयरन रॉड नेल एंड कॉपर वायर आर गुड कंडक्टर वाइल रोल्ड सल्फर पीस एंड कोल पीस आर पुअर कंडक्टर, ठीक है। तो आपने ऑब्जर्व किया आयरन यानी लोहा और कॉपर वगैरह इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर होते हैं, जबकि कोयला और कोयला वगैरह जो है सल्फर वगैरह पुअर कंडक्टर होते हैं, ठीक है। वेयर डू यू फाइंड दैट डू यू एल्यूमिनियम एंड यूज़ ऑफ एल्यूमिनियम एंड कॉपर वायर्स हैव यू सीन वायर्स ऑफ कोल? डेफिनेटली नॉट। द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय विच इट कैन बी ड्रॉन इन टू वायर इज कॉल्ड डक्टिलिटी। तो अब दूसरी प्रॉपर्टी बताई गई है कि एक प्रॉपर्टी किसी मेटल की ऐसी प्रॉपर्टी जिसकी वजह से उसको एक वायर के फॉर्म में चेंज किया जा सकता, वायर के फॉर्म में चेंज किया जा सके, उसे कंडक्टिलिटी कहते हैं, ठीक है। तो आप मेटल को देखोगे कि मेटल को आप एक वायर उसकी बना सकते हो, लेकिन क्या लकड़ी की वायर बना सकते हो? नहीं बना सकते, ठीक है। तो यही प्रॉपर्टी आपकी कहलाती है डक्टिलिटी। तो क्या आपने कभी, इसके बाद अगर हम बात करें दूसरी, तो क्या आपने कभी स्कूल में या कहीं पे भी बेल देखी है? बेल देखी है तो क्या कभी लकड़ी की बेल देखी है? नहीं देखी होगी। द थिंग्स मेड ऑफ मेटल्स प्रोड्यूस अ रिंगिंग साउंड व्हेन स्ट्रक हार्ड। सपोज यू हैव टू बॉक्सेस सिमिलर इन अपियरेंस, वंस मेड ऑफ वुड एंड द अदर मेटल, ठीक है। कैन यू टेल विच बॉक्स इज मेड मेटल बाय श्रिंकिंग बोथ बॉक्सेस, ठीक है। तो इस तरीके से आपने, आपको पता होगा कि जो मेटल होते हैं उसमें अगर स्ट्राइक की जाए तो वो आवाज़ निकालते हैं। जैसे कि अगर दो बॉक्स रखे हैं, ठीक है, और एक लकड़ी का है और एक मेटल का है, किसी मेटल का है, ठीक है, खाली बॉक्स है, तो आप कैसे पहचानोगे? तो उसमें जैसे ही स्ट्राइक करोगे, बिना देखे आप कैसे पहचान सकते हो? दोनों में स्ट्राइक करोगे, ठीक है, तो एक का साउंड जो तेज़ थोड़ा निकलेगा तो वो आप समझ जाओगे कि हाँ ये मेटल है। तो ठीक है, मेटल जो है रिंगिंग साउंड यानी थोड़ा सा बजते हैं जब उनको
पीटा जाता है। सिंस मेटल प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड, दे आर सेड टू बी सोनरस। ठीक है, इसीलिए वो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं, इसीलिए सोनरस कहते हैं उसको, मेटल्स को। ठीक है, द मटेरियल्स अदर देन मेटल्स आर नॉट सोनरस। तो मेटल के अलावा जो मटेरियल्स होते हैं वो सोनरस नहीं होते हैं। आफ्टर परफॉर्मिंग अबव एक्टिविटी वी कैन से दैट सम मटेरियल्स आर हार्ड, लस्ट्रस, मेलेबल, डक्टाइल, सोनरस एंड गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो इतनी सारी एक्टिविटी देखने के बाद और या हमारा चैप्टर यहाँ तक कंप्लीट करने के बाद हमें अब पता चल गया कि कुछ मेटल्स मटेरियल्स हार्ड होते हैं, कुछ लस्ट्रस होते हैं, कुछ मेलेबल होते हैं, कुछ डक्टाइल होते हैं, कुछ सोनरस होते हैं, और कुछ लोग में सारी चीज़ें होती हैं, ये सारी प्रॉपर्टी है ना। तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ हमें देखने को मिलती हैं। द मटेरियल्स विच जनरली पॉजिस दीज प्रॉपर्टीज़ आर कॉल मेटल्स। और जो जिसके अंदर ये सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो मेटल कहलाते हैं, यानी वो मेटल हार्ड भी होता है, लस्ट्रस यानी चमकदार भी होता है, मेलेबल होता है, डक्टाइल होता है, सोनरस होता है, हीट और इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होता है। ठीक है, तो जैसे कि मेटल हो गए आपके कॉपर, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। ठीक है, इन कॉन्ट्रास्ट मटेरियल्स लाइक कोल एंड सल्फर आर सॉफ्ट एंड डल इन अपीयरेंस। ठीक है, कोयला और सल्फर जो होता है वो अपीयरेंस यानी दिखने में थोड़ा डल होता है। दे ब्रेक डाउन इनटू पाउडरी मास, और वो पाउडर के फॉर्म में भी कन्वर्ट हो जाता है जब उनको पीटा जाता है। दे आर नॉट सोनरस, और ये सोनरस नहीं होते यानी इनको पीटने से आवाज़ नहीं निकलती, ये पुअर कंडक्टर ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, इसीलिए इनको नॉन मेटल्स कहा जाता है। एग्जांपल ऑफ नॉन मेटल्स आर सल्फर, कार्बन, ऑक्सीजन, फास्फोरस। तो नॉन मेटल के एग्जांपल आपको सल्फर, कार्बन और फास्फोरस, ऑक्सीजन वगैरह मिल गए। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा है मेटल्स लाइक सोडियम एंड पोटेशियम आर सॉफ्ट एंड कैन बी कट विद अ नाइफ। सोडियम और पोटेशियम जो हैं ये दो मेटल ऐसे हैं जो कि बहुत सॉफ्ट होते हैं और इनको चाकू से काटा जा सकता है। मरकरी इज़ ओनली मेटल विच इज़ फाउंड इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। और एक और आपका मेटल है जिसको मरकरी कहते हैं जो कि लिक्विड फॉर्म में होता है। दीज आर एक्सेप्शंस, और इन सबको एक्सेप्शंस माना गया है, यानी ये थोड़ी थोड़ी इनके अंदर मेटल की प्रॉपर्टी नहीं होती लेकिन फिर भी ये मेटल कहलाते हैं। ठीक है, तो इनको एक्सेप्शन माना गया है यानी इनको छोड़ करके बाकी सारे मेटल जो होंगे उनके अंदर इतनी प्रॉपर्टी जो मैंने बताई वो दिखाई देगी लेकिन इसमें नहीं दिखाई देगी। सोडियम, पोटेशियम और मरकरी में पूरी प्रॉपर्टी नहीं दिखेगी लेकिन फिर भी ये मेटल है। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। अब मेटल और नॉन मेटल की केमिकल प्रॉपर्टी देखते हैं। रिएक्शन विद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करने के बाद क्या होता है मेटल का और नॉन मेटल का, चलिए देखिए। रस्ट इज़ फॉर्म्ड, यू हैड ऑल्सो परफॉर्म इन क्लास 7th एंड एक्टिविटी ऑफ बर्निंग मैग्नीशियम रिबन इन एयर, यू हैड लर्न दैट बोथ द प्रोसेस ऑक्साइड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। तो यहाँ पे सबसे पहले बात हुई है कि जब लोहे का ऑक्सीजन यानी खुले एटमॉस्फेयर में लोहा रख दिया जाता है तो उसमें धीरे धीरे क्या होता है, जंग लग जाती है, आपने देखा होगा। ठीक है, और लोहा जब गीला हो जाता है ना, तो ज़्यादातर ऐसा होता है। ठीक है, तो लोहे में जंग लगना जिसको हम रस्ट कहते हैं। उसके बाद मैग्नीशियम रिबन का जलना, ये भी आपने इससे पहले की क्लासेस में किए हुए हैं। ठीक है, तो दोनों ही कंडीशन में क्या होता है, ऑक्साइड फॉर्म हो जाता है। ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है, है ना। और इसी तरीके से उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ जो हैं चेंज हो जाती है, यानी लोहा लोहे से कुछ नया एलिमेंट तैयार हो जाता है जिसके बारे में अभी हम बात करते हैं। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे रस्ट सस्पेंशन, रेड लिटमस पेपर एंड रस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे टेस्टिंग ऑफ नेचर ऑफ रस्ट, यानी जो जंग लग जाता है तो उस जंग लगी हुई
टुकड़े को निकाल करके हम उसको पानी में घोल करके उसके ऊपर रेड लिटमस पेपर टेस्ट करते हैं और पता करते हैं कि इसका नेचर क्या है, ठीक है, एसिड है, बेस 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 है, क्या है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे हम देखते हैं, व्हेन अ कॉपर वेसल इज एक्सपोज टू मॉइस्ट एयर ऑफ लॉन्ग इट एक्वायर्स अ डल ग्रीन कोटिंग, ठीक है। कॉपर वेसल को कभी मॉइस्ट एयर में रख दिया जाए, यानी नमी वाली हवा के आसपास रख दिया जाए जहाँ से थोड़ा सा मॉइस्चर आ रहा हो, तो उसके ऊपर एक ग्रीन कलर की डल कोटिंग आ जाती है, ये आपने देखा होगा कभी कभी, ठीक है। तो द ग्रीन मटेरियल इज मिक्सचर ऑफ कॉपर हाइड्रोक्साइड एंड कॉपर कार्बोनेट, ठीक है। जो ग्रीन मटेरियल होता है वो किस चीज़ का मिक्सचर होता है, वो कॉपर हाइड्रोक्साइड का और कॉपर कार्बोनेट का, और रिएक्शन आपको दी हुई है नीचे, 2Cu+H2O+CO2+O2 इक्वल फॉर्म हो रहा है कॉपर हाइड्रोक्साइड प्लस कॉपर कार्बोनेट, ठीक है। नाउ रिकॉल द एक्टिविटी ऑफ बर्निंग मैग्नीशियम रिबन, द एश ऑफ बर्निंग रिबन इज डिजॉल्व इन वाटर एंड टेस्टेड फॉर इट्स एसिडिक बेसिक नेचर, ठीक है। रिबन के जलने के बाद थोड़ा सा पाउडर हमको मिलता है जो एक प्लेट में हम नीचे रख लेते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद उसको चेक करते हैं इसके नेचर को एसिडिक है या बेसिक है। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट द रेड लिटमस टर्न्स ब्लू सो ऑक्साइड ऑफ मैग्नीशियम इज़ ऑल्सो बेसिक इन नेचर, ठीक है। आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जो रेड लिटमस पेपर है वो ब्लू में चेंज हो रहा है, इसीलिए ऑक्साइड ऑफ मैग्नीशियम यानी मैग्नीशियम का जो ऑक्साइड फॉर्म होता है मैग्नीशियम रिबन के बर्निंग के बाद, ठीक है, जो पाउडर होता है वो एक्चुअल में मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है, और वही ऑक्साइड जो है वो बेसिक नेचर का होता है, ठीक है। इन जनरल मेटेलिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, ठीक है। तो हम जनरली हम ये कह सकते हैं कि मेटेलिक ऑक्साइड जो होते हैं, मेटल से जो बनने वाले ऑक्साइड होते हैं, वो बेसिक होते हैं नेचर में, ठीक है, बेसिक नेचर में होते हैं। अब आते हैं ये कौन सी एक्टिविटी, टेस्टिंग ऑफ सॉल्यूशन विद लिटमस पेपर टू डेमोंस्ट्रेटेड बाय द टीचर इन द क्लास, यहाँ पे एक और एक्टिविटी दिया हुआ है सल्फर के बारे में, ठीक है। चलिए देख लेते हैं, टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ पाउडर सल्फर इन डिफ्लेग्रेटिंग स्पून एंड हीट इट, ठीक है। स्पून में लेकर के सल्फर को हमको क्या करना है, हीट गरम करना है। यू मे टेक मेटेलिक कैप ऑफ बॉटल इट गिव इट इन द शेप शोन इन फिगर, ठीक है। तो इस टाइप से आप, अगर ये चम्मच ना हो ये इस टाइप का, तो आप ये ऐसा अरेंजमेंट बना सकते हैं बोतल के ढक्कन से, ठीक है। अब उसके बाद सल्फर जैसे ही जलने लगता है, इंट्रोड्यूस द स्पून इन अ गैस जार, अब उसको आप गैस जार में डालिए, ठीक है। ग्लास टम्बलर, कवर द टम्बलर विद अ लिड टू इंश्योर दैट द गैस प्रोड्यूसेस डज नॉट एस्केप, ठीक है। फिर उसको कवर कर देना है उस जार को, जिस जार में हम अभी गर्म करके डाले हैं सल्फर को, ठीक है। अब स्पून हटा लेना है, एड स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वाटर, थोड़ी क्वांटिटी में वाटर मिलाना है, ठीक है। शेक द टम्बलर वेल, अब उसको अच्छे से शेक करना है, और फिर उसके बाद उस को सॉल्यूशन को, उस सॉल्यूशन को आपको लिटमस पेपर से चेक करना है, ठीक है। द नेम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म इन रिएक्शन ऑफ सल्फर एंड ऑक्सीजन इज सल्फर ऑक्साइड गैस, ठीक है। तो इस रिएक्शन से हमें क्या मिलता है, सल्फर ऑक्साइड गैस मिलती है। व्हेन सल्फर डाइऑक्साइड इज
सल्फर डाइऑक्साइड गैस मिलती है, और जब ये पानी में डिसॉल्व की करते हैं इन वाटर सल्फ्यूरस एसिड इस फॉर्म, और सल्फ्यूरस एसिड फॉर्म हो जाता है अगर इसको पानी में मिलाया जाए तो। इसकी रिएक्शन दी हुई है SO2 प्लस H2O इक्वल टू H2SO3, ठीक है। द सल्फरस एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर रेड, तो सल्फर का जो एसिड है वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड बनाता है। इसका मतलब ये एसिडिक इन नेचर होता है, यानी नेचर में ये एसिडिक होता है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि नॉन मेटल जो होते हैं वो एसिडिक होते हैं, और मेटल जो होते हैं वो क्या होते हैं, बेस, ठीक है, बेसिक इन नेचर होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे रिएक्शन विद वाटर, पानी के साथ क्या रिएक्शन होता है, नॉन मेटल क्या रिएक्ट करते हैं और मेटल क्या रिएक्ट करते हैं। तो इस तरीके से जो भी आप रिएक्शन करने के बाद जो बन रहा है और उसमें कौन सा मेटल पार्टिसिपेट कर रहा है वो यहाँ पे लिखना है, और एसिड जो बनता है उस एसिड कौन से मेटल से नॉन मेटल से बन रहा है, ये टेबल आपको कंप्लीट करनी है। जैसे कि एक एक चीज़ यहाँ पे दी हुई है, सबसे पहले कैल्शियम मेटल का रिएक्शन करा के कौन सा बेस बनाया गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाया गया। सल्फर नॉन मेटल है, उसका रिएक्शन करा के सल्फ्यूरिक एसिड बनाया गया, ठीक है, जैसे कि हमने अभी यहाँ पे देखा पानी के साथ रिएक्ट होके सल्फ्यूरस एसिड बना रही है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको और भी इस टेबल को कंप्लीट करना है, ठीक है। उसके बाद रिएक्शन ऑफ सोडियम विद वाटर, सोडियम का पानी के साथ क्या रिएक्शन होता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक ग्लास है, टम्बलर यानी टम्बलर है, उसमें पानी डालना है, ठीक है। उसके बाद छोटा सा सोडियम लेना है और फिल्टर पेपर से उसको ड्राई कर लेना है, ठीक है, और उसको रैप करना है एक कॉटन में, और पुट द सोडियम पीस रैप्ड इन कॉटन इनटू द बीकर, और उस बीकर में डाल देना है। ऑब्जर्व केयरफुली ऑब्जर्व करना है। When reaction stops, touch the beaker. What do you feel? Has the beaker become hot? और जब वो beaker, जब reaction पूरी हो जाएगी तो उस beaker को छू के देखना है क्या वो गर्म हो जाएगा या गर्म हो गया है। अब उसके बाद उसको test करना है solution को, क्या वो acidic है या basic है nature में, ठीक है। You observed that sodium reacts vigorously with water. तो आपने देखा होगा कि सोडियम जो है वो पानी के साथ बहुत तेज़ी से रिएक्ट करता है। सम अदर मेटल डू नॉट डू सो, लेकिन और अदर मेटल जो है वो इस तरीके से नहीं करते, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल आयरन रिएक्ट्स विद वाटर स्लोली, जैसे कि आयरन पानी के साथ बहुत धीरे धीरे रिएक्ट करता है। जनरली नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद वाटर, थ्रो दे मे बी वेरी रिएक्टिव इन एयर। जनरली नॉन मेटल जो होते हैं वो पानी के साथ तो रिएक्ट नहीं करते, लेकिन ये एयर के साथ बहुत रिएक्टिव होते हैं। जैसे कि सच नॉन मेटल्स आर स्टोर्ड इन वाटर, तो ऐसे नॉन मेटल को हम पानी के अंदर रखते हैं जो हवा से बहुत जल्दी रिएक्ट करते हों। एग्ज़ाम्पल के तौर पे फास्फोरस इज़ अ वेरी रिएक्टिव नॉन मेटल। फास्फोरस एक बहुत तेज़ी से रिएक्ट करने वाला नॉन मेटल है, और ये हवा में क्या होता है, जलने लगता है, इसीलिए इसको दूर रखा जाता है एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से, और इसको पानी के अंदर स्टोर किया जाता है, ठीक है। अब रिएक्शन विद एसिड जो है वो हम नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं। थैंक यू।